घर में कैसे लगाएं राधा कृष्ण की तस्वीर। कान्हा के भक्तों के लिए ये चीज बेहद जरूरी है। अगर आप कन्हैया की तस्वीर घर में लगाने जा रहे हैं तो ये बात आपके लिए जानना जरूरी है कि चलिए क्या कहता है घर का वास्तु कि कान्हा की तस्वीर लगाने की सही विधि कौन सी है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे अपने आराध्य की तस्वीर को घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं। यूं तो विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की तस्वीर को मुख्य द्वार पर लगाया जाता है, लेकिन जहां तक बात राधा कृष्ण की तस्वीर की है तो इसके घर के मुख्य दरवाजे पर कभी नहीं लगाना चाहिए। राधा कृष्ण की तस्वीर को आप बेडरूम में भी लगा सकते हैं। इन्हें प्रेम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, इसलिए कपल्स अपने आपसी संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए इनकी तस्वीर को बेडरूम में लगा सकते हैं। जब आप बेडरूम में राधा कृष्ण की तस्वीर लगा रहे हैं तो हमेशा इन्हें पूर्व की दिशा में लगाएं। साथ ही इस दौरान कुछ बातों का भी ध्यान रखें, मसलन कभी भी तस्वीर की तरफ आप पैर करके ना लेटें। वहीं अगर बेडरूम में अटैच बाथरूम है तो तस्वीर बाथरूम की वॉल पर कभी नहीं होनी चाहिए। अक्सर राधा कृष्ण की तस्वीर को लगाते समय लोगों के मन में सवाल होता है कि राधा जी बाईं तरफ होनी चाहिए या दाईं तरफ। दरअसल तस्वीर में राधा जी बाईं तरफ होनी चाहिए जबकि कृष्ण जी दाईं साइड हो। साथ ही जब आप बेडरूम में राधा कृष्ण की तस्वीर लगा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि उसमें किसी भी अन्य देवी देवताओं या गोपियां ना हो, बस राधा कृष्ण ही हो। आजकल मार्केट में देवी देवताओं की तस्वीरों का एक कोलार्ज मिलता है, लेकिन उन्हें बेडरूम में कभी नहीं लगाना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार इन तरीकों से अगर आप तस्वीरें घर में लगाएंगे तो आपके घर में बरकत होगी और वहीं राधा कृष्ण का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बने रहेगा। अगर कोई महिला संतान प्राप्ति की सुख चाहती है तो ऐसे में बेडरूम में कृष्ण के बाल रूप की तस्वीर को लगाना अच्छा माना जाता है। अगर आप कृष्ण के बाल रूप की तस्वीर लगा रहे हैं तो हमेशा पूर्व दिशा में लगाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार, सिटी 24।